कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन पर लग चुका है नमकीन किंग की नमकीन खराब होने का पूरा इल्जाम। और ये इल्जाम सुमन ने अपने ऊपर ले भी लिया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इसके साथ साथ सुमन का खुद का चाट भंडार का स्टॉल जला दिया गया। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है सुमन यहाँ पर और तीर्थ उसे सपोर्ट करता है। और यहाँ पर तीर्थ के पापा आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें सुमन से, उसके स्टॉल से और इस पूरे तमाशे से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने परिवार के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं। सुमन को आने की जरूरत नहीं है। वो जाने लगते हैं और वो तीर्थ को भी आवाज मारते हैं, लेकिन तीर्थ उनके साथ जाने से मना कर देता है और तीर्थ के पापा उसे भी सुमन के साथ उसी जगह पर रहने के लिए बोल देते हैं कि वो भी घर लौटकर ना आए तो भी चलेगा। सुमन और तीर्थ उनके सबके जाने के बाद काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सुमन इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश करती है। इसी के चलते वो वापस से शॉप में जाती है और देखती है जो उसने कनस्तर दिए थे तेल के, उसके ऊपर किसी ने छेड़ाछाड़ी की हुई है और उसकी एक्सपायरी डेट को चेंज किया हुआ है। सुमन कहती है तीर्थ से कि उसने उसी तेल से चाट बनाकर ज्यादा लोगों को खिलाई थी और किसी को कुछ नहीं हुआ, और उसी तेल से कम लोगों ने नमकीन खाई थी और उनकी तबीयत खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है जब दोनों जगह सेम ऑयल यूज किया गया है। और इसकी जड़ तक वो जाती है और उसे पता चलता है कि जो उसने तेल का कनस्तर दिया था वो खराब नहीं था, बल्कि वो देने के बाद किसी ने उसे खराब किया है। और फिर तीर्थ और सुमन लग जाते हैं ये पता लगाने में कि इस सब के पीछे आखिर है कौन, जो कि ऑब्वियसली देविका है।